तो आज मैं अपने एक्वेरियम को कैसे क्लीन करती हूँ और साथ ही साथ मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझे कमेंट किए थे इसका सेटअप के बारे में जानने के लिए, तो क्या कैसे इसमें मैं क्या क्या पंप सेटअप की हूँ और कैसे कनेक्शन दी हूँ, साथ ही साथ क्या क्या सामान से मैं इसको डेकोरेशन की हूँ, सब आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आपको पता है इसे क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट जो आपके घर में अवेलेबल होगा ही होगा, वो कि बेसन। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्वेरियम पे कितना ज़्यादा दाग लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पंप लगा रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा दाग है। पानी के ऊपर वाला कांच ऑलमोस्ट पूरा गंदा ही हो गया है। तो अभी हम एक्वेरियम को साफ करने से पहले इसमें जितना भी सारा सामान है उसको पहले रिमूव करेंगे। सबसे पहले हमने मछलियों को निकाला, उसके बाद सारा पेड़ पौधा, लाइट, जितना भी पानी है सब पानी को भी निकाला, और नीचे में जो बालू है मतलब व्हाइट मार्बल उसको भी निकाला। फिर इसको साफ करने के लिए हम ले जा रहे हैं बाथरूम। ये हमारा 2 फुट चौड़ा एक्वेरियम है इसीलिए इसको ले जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। अब हम इसे बेसन से क्लीन करेंगे, क्योंकि बेसन से क्लीन करने से मछलियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि कितना गंदा है, और अभी हम इसे बेसन से अच्छे से साफ कर देंगे तो ये मेरा जगह बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। ये एक सस्ता, सुंदर और मजबूत उपाय है कांच को साफ करने का। अगर आप कोई भी सर्फ या साबुन से इसको क्लीन करते तो मछलियाँ मर जाने के भी चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं इसके डिफरेंस को, जहाँ पे आपने बेसन से धोया वो कितना क्लीन लग रहा है। अब हम इसे वापस क्लीन करके लेके उसके जगह पर रख देंगे। अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जितना भी सारा दाग था वो बेसन के वजह से खत्म हो चुका है। बट इसे साफ करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे इसलिए हमने कॉफ़ी पीने का थोड़ा सा ब्रेक लिया। इस रेसिपी में हम सिंपली बस दूध लिए ठंडा वाला, फिर उसमें कॉफ़ी एंड चीनी मिला के मिक्स कर दिया, बस हो गया कोल्ड कॉफ़ी तैयार। अभी हम पी लेंगे। इसे पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, उसके बाद हम फिर से अपना काम शुरू कर दिए। ये वो ऊपर वाला ग्लास था जिसको हम फिर से बेसन से अच्छे से क्लीन कर लिए। इसमें लाइट्स लगा हुआ था बट फिकर की बात कोई नहीं, इसमें पानी लगने से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी बेसन से धोने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर और चकाचक बन गया। फिर हमने एक्वेरियम का जितना भी पेड़ पौधा था उसको भी अच्छे से धोया, एंड लास्ट में व्हाइट सैंड को भी 4-5 बार भिगो के धो दी। अभी हमारा कांच भी धुल गया है, सारा बालू और घास भी धुल गया है। अभी हम इसका घर को सेट करेंगे। इसका घर को सेट करने के लिए हम कुछ कुछ सामान खरीद के लाए मार्केट से। मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया। मछली लोग को भी रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं, इसे लेके आए। सबसे पहले हम व्हाइट सैंड को अच्छे से स्प्रेड किए, उसके बाद उसके ऊपर हम स्ट्रिप एलईडी लाइट को लगाए, उसके बाद पंप को भी हम अच्छे से फिक्स किए, एंड उसके आगे ग्रूट को रखे ताकि पंप चुपके रहे। यहाँ पर हमने पंप लगाया है और पंप का जो आउटलेट है यहाँ पर दिया हुआ है ताकि बबल्स लगेगा, इसका सर से निकलता हुआ बबल्स दिखेगा। और इधर जो ब्लोअर वाला पंप है, ब्लोअर से हम लोग सिप में एक तो देंगे, इसको आउटलेट एक तो सिप में देंगे और इसमें काम करेगा। ये ब्लोअर है तो इसमें ब्लोअर का तार है, लाइट का तार है, पंप का तार है, तो इधर से 3 तार गया हुआ है, ये तीसरा है। और उसको हम लोग अंदर की तरफ, और उसको हम लोग यहाँ पर एक कारपेट में होल करके इधर से पार कर दिए हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर सारा तार निकाले हैं ताकि चलने में दिक्कत ना हो, चलने बुलने में। और इसको हम लोग सोफा के अंदर डाल देते हैं ताकि ये सेफ रहे। यहाँ से तार को अभी सबको अरेंज करके यहाँ चिपका देंगे एक्वेरियम में, ताकि वो भी इतना मेसी टाइप का ना हो और फ्रीली रहे। अब हम ये घर को डेकोरेशन करेंगे, एक अलग दुनिया बनाएंगे। पेबल्स हमने 60 रुपीज़ केजी खरीदा, 1 केजी लाया है ट्रायल बेसिस पे, अगर ये अच्छा लगा तो हम इसे और भी लाएंगे। सबसे पहले हम अपने सिप को यहाँ पर रखे, एंड ये सिप बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत कलरफुल था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर हमको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर क्या रखे, फिर धीरे धीरे करके हम सारे पेड़ पौधों को लगाए, फिर अच्छे से गार्डनिंग की एक तरफ और एक तरफ जंगल जैसा बनाए, इसका पूरा एक शहर बना दिए। हमने थोड़ा थोड़ा पेबल्स हर कोने कोने में रखा, जहाँ से तार निकला हो या फिर जहाँ से घास थोड़ा अननेचुरल लग रहा हो, ताकि वो पेबल्स रख देने से थोड़ा नेचुरल लगे। उसके बाद एक्वेरियम को हमने लास्ट में रखा। तो आइए देखते हैं कुछ झलक अपने एक्वेरियम का।
चलिए भरते हैं पानी, उसके बाद हम मछलियों को वेलकम करेंगे। पानी भरने के टाइम मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मेरे मछलियों को देख के कैसा लगेगा वही देखने के लिए मैं पागल हो रही थी। हमने इसमें ब्लू कलर को यूज किया ताकि ये थोड़ा नेचुरल और सुंदर दिखे। फिर थोड़ा सा मेडिसिन डाला, तो फिर हमने सारा पंप्स और लाइट्स को चेक किया। तो आइए देखते हैं रिजल्ट। और फाइनली हमारे सिप से बहुत अच्छे से बबल्स निकल रहा था। सिप से निकला रे, ज्यादा चल रहा देखे। सिप से पानी निकला, टिक-टिक-टिक-टिक। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मछलियों का उनके नए शहर में। ओए, ओए, रेडी हो नए घर में जाने के लिए? हैं? चलो। और ये लोग अंदर जाने के बाद इधर उधर देखने लगे कि ये हम लोग कहाँ आ गए, ये तो हमारा घर ही नहीं है। और ये ऑरेंज वाला तो सीधा सीप के अंदर ही घुस के रहता है अब। और ये ऑरेंज वाला हमारा सबसे लाडला मछली है, उसको हर हमेशा प्यार ही चाहिए होता है, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं उसकी खुशी। फाइनल रिजल्ट। और हमने एंड में ऊपर का कवर लगा के उसका लाइट जलाया, एंड आप देख सकते हैं अब इसका रिजल्ट। वाह, क्या दिख रहा है तो? ये होता है लाइट का डिफरेंस, ये बिना लाइट का और ये लाइट के साथ। ये भले ही कैमरा में उतना ये ना दिख रहा हो, खास ना दिख रहा हो, पर वो देख कैसे ग्लो कर रहा है। देख सिप का ये ऑरेंज स्ट्रिप कैसे ग्लो कर रहा है। तो फाइनली करीब 2.5 घंटे के बाद हमने अपनी एक्वेरियम को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अच्छे से डेकोरेशन भी कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो ये सेटअप अभी हमारा कुछ दिन के लिए रहेगा, और नेक्स्ट जब मैं नया सेटअप करूंगी तो फिर से आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। Thank you.